हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाने वाले हैं सेव की रेसिपी, और इसे हम ना ही कोई मशीन से के हेल्प से बनाएंगे और ना ही किसी सांचे के हेल्प से बनाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। ये देखिए, आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है। और हमने यहाँ पर थोड़ा मीडियम साइज़ में और थोड़ा मोटा शेप में भी इसे बना लिया है। दो शेप में हमने इसे बनाया है, और इसे दो तरीके से हम बनाने वाले हैं, और वो भी बिना सांचे के। और दोनों ही तरीके से ये सेव जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमने एक कप बेसन ले लिया है, स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं, दो पिंच हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, हल्दी बहुत ज़्यादा हमें नहीं डालना है, 1/4 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल लेते हैं, दो पिंच हींग डाल लेते हैं, और दो बड़े चम्मच इसमें हम ऑयल डाल लेंगे। तो अब इन सबको हम हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह से मिलाते हुए इसे हमें मिक्स करना है। तो इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी डाल करके इसे गूँथ लेते हैं। बेसन को गूँथने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा पानी में ही इसका डो जो है वो तैयार हो जाता है। हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो बना करके तैयार करना है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट ही रहेगा ये। तो इसमें बीच बीच में ज़रूरत के हिसाब से हल्का पानी आप डालते जाएँ और इसे गूँथ लें। तो यहाँ हमने बिल्कुल सॉफ्ट डो हमने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 10 मिनट के लिए रेस्ट करने रखते हैं, जिससे बेसन जो है वो अच्छी तरह से फूल जाएगा। हमने यहाँ पे झारा ले लिया है और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। दोनों तरफ हम ऑयल इसमें लगा लेंगे, जिससे कि बेसन इसमें बहुत ज़्यादा चिपकेगा नहीं। और अब हम यहाँ पे एक ग्रेटर भी ले लेते हैं। तो आपके पास जो भी इस तरह का ग्रेटर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी ग्रेटर हो, उसमें भी हम दोनों साइड ऑयल लगा लेते हैं। तो अच्छी तरह से ऑयल हमने लगा लिया है, और अब हम बेसन का जो डो है उसमें से लोई बना लेते हैं। बेसन काफ़ी ज़्यादा हाथ पर चिपकता रहता है, तो हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लें, उसके बाद ही इसका लोई बनाएं। तो यहाँ पे हमने दो लोई बना ली है, और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे हमने तेल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फ्लेम को हमने मीडियम पर रखा है। तो अब हम यहाँ पर ग्रेटर ले लेते हैं और इसमें बेसन को हम रगड़ते हैं। बेसन की जो लोई हमने बना ली है उसे हम इसमें घिसते रहते हैं, और एक ही जगह हमें इसे नहीं रखना है। थोड़ा थोड़ा हम बेसन का डो डालते जाएंगे और इसे दूसरी तरफ लेते जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से चारों तरफ से हम इसे फैलाते हुए डालेंगे। एक ही जगह पे आप डालेंगे तो एक के ऊपर एक जो है सेव चिपकने लगता है। तो इस तरह से हम इसे डालते जाएंगे, और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई होने के लिए रख देते हैं, और बीच बीच में हम इसे थोड़ा पल चलाते जाएंगे। जब सेव हल्का पकने लग जाएगा तो हम इसे पलट भी लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बबल्स यहाँ पे थोड़ा कम होने लगा है, तो इसे हम पलट लेते हैं ताकि हर तरफ से ये अच्छी तरह से क्रिस्प हो जाए। और बहुत ज़्यादा हमें इसे ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही इसमें बबल्स आना बंद हो जाएंगे तो हम इसे निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे ये जो सेव है वो अच्छी तरह से क्रिस्प हो गए हैं, बहुत ही कुरकुरे बने हैं। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालते हुए इसे हम इस तरह से निकाल लेते हैं, और आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी भी ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी है ये, आप एक बार इसे ज़रूर बना के ट्राई करें। तो अब हम इसे निकालने के बाद झारे से सेव को बना लेते हैं। तो झारे को उल्टा हमने रखा है, और इसमें भी हम बेसन का डो जो है उसे रगड़ लेते हैं इस तरह से, और इस तरह से इसे भी हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। ये देखिए कितना आसानी से निकल जाता है, और बिना मशीन के ही हमने बहुत ही स्वादिष्ट सा सेव बना लिया है। तो जिस तरह का आपका झारा होगा, मोटा या पतला छेद वाला, उसी तरह से ये जो सेव है मोटा या पतला बनेगा। तो ये थोड़ा मोटा है, ये झारे का आप देख सकते हैं छेद जो है, तो ये जो सेव बनने वाली है वो थोड़ी सी मोटी बनेगी।
तो इसे भी हमने मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो हम इसे निकाल लेंगे। तो बीच में हमने इसे एक बार पलट लिया है और ये अच्छी तरह से यहाँ पे क्रिस्प हो चुके हैं, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये थोड़ा मोटा शेप वाला है लेकिन ये भी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसी तरह से हम बाकी के भी सेव को बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये सेव की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।